टू बी ऑनेस्ट मेरा एज अ ब्रांड जब मुझे किसी चीज़ के लिए बुलाया जाता है जैसे ओपनिंग के लिए या जिस तरह से uh, इसको किसी तरह से इसका प्रचार करने के लिए तो ऐसा तो नहीं है कि मैं उसकी पूरी डेप्थ में जाती हूँ क्योंकि वो मुझे लगता भी नहीं कि मैं उसके लायक हूँ या उसके लिए मैं क्वालिफाइड हूँ या उसके काबिल हूँ लेकिन ऑन ह्यूमन लेवल जो मुझे अपील करता है जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया Uh, I think it's nice to be associated with a brand like that, but I do avoid uh, things like fairness, cream, and you know jockey like in your face for me is very, very wrong morally but i can't always say that I really make the uh you know universally right choices. ये बहुत क्लियरली uh, याद है और कई बार मैं अपनी बहन के साथ डिस्कस भी करती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो मुझे बुक्स से बहुत प्यार था और बहुत लगाव था अभी भी है और जैसे बुक्स के पेजेस स्मेल करते थे नए बुक्स के तो आई यूज़ टू स्मेल इट फॉर आवर्स और फिर मुझे अभी भी याद है जो पहले दिन मैं स्कूल जाती थी यानी यूज़ टू तो गेट न्यू बुक्स जब मैं छोटी सी थी तीन चार साल की तो मुझे लगता था सिर्फ मुझे ही मिले हैं ये बुक्स और किसी को नहीं मिले हैं सिर्फ मैं ही थर्ड स्टैंडर्ड में हुई हूँ या सेकेंड स्टैंडर्ड में और कोई नहीं हुआ है एंड एवरी टाइम इज टू गो टू क्लास एंड ओपन माई न्यू बुक्स एंड सी एवरी वन क्राइंग So I, I never used to tell anyone, but I used to really feel hurt that okay, everyone has new pencils and new books. <laughs> uh, well, I think uh, we've consciously decided that a film like Revolverani, which has been like Queen made on a small scale, you know, doesn't need a promotion of eight weeks. So I think it's been a conscious decision to promote the film uh, in like two to three weeks.